झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दुनिया की खाद्य पदार्थों के बाजार में चावल की कमी एक नई समस्या के रूप में सामने आ रही है। इसका कारण भारत के कुछ इलाकों में बारिश की कमी से धान की बुआई में कमी आना है। देश में पिछले 3 सालों में धान की खेती का बुआई क्षेत्र सबसे कम हो गया है। बता दें कि भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ऐसे में यहाँ धान की बुआई कम होने से चावल का उत्पादन कम होगा। इसका असर घरेलू बाजार के साथ साथ उन देशों पर भी पड़ेगा जहाँ भारत चावल का निर्यात करता है। भारत में चावल उत्पादन पर खतरा ऐसे समय में मंडरा रहा है जब दुनिया भर के देश खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान है। भारत में इस साल अब तक धान की बुआई में 13% तक की कमी आ चुकी है और इसका कारण है देश के कुछ हिस्सों खासकर बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पर्याप्त बारिश का ना होना। बता दें कि सिर्फ ये दो राज्य ही मिलकर देश में लगभग 1/4 चावल का उत्पादन करते हैं। चावल के व्यापारियों का मानना है कि देश में इसका कम उत्पादन जहां महंगाई के साथ लड़ाई को कमजोर करेगा, वहीं बता दें कि निर्यात पर पाबंदी लगाने के लिए मजबूर भी करेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत के चावल पर निर्भर करोड़ों लोगों को इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। दुनिया भर में चावल के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 40% है। सरकार देश में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं और चीनी के निर्यात पर पहले ही कई तरीके की बंदिशें लगा चुकी है। भारत में चावल की बड़ी कीमतें भी उत्पादन में कमी के प्रति चिंता को जाहिर करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चावल के कुछ किस्मों की कीमतें पिछले 2 हफ्तों के दौरान बारिश में कमी के कारण देश के बड़े चावल उत्पादक प्रदेशों जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 10% तक बढ़ चुकी है। बांग्लादेश में मांग बढ़ने से भी इन राज्यों में चावल की कीमतों में तेजी आ रही है। बता दें कि दुनिया में चावल का सबसे अधिक उत्पादन और उपयोग एशिया में ही किया जाता है। एशिया प्रायद्वीप में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिहाज से यह एक अहम कड़ी है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद गेहूं और मकई की कीमतों में उछाल आने के बाद चावल पर निर्भरता बढ़ी। इससे खाद्य संकट को दूर करने में तो मदद मिली पर चावल का पर्याप्त भंडार भी कम हो गया। भारत में चावल की फसल का उत्पादन अब बहुत हद तक मानसून की प्रगति पर निर्भर है। कुछ कृषि वैज्ञानिक आशावादी हैं कि रोपनी के लिए अभी समय बचा हुआ है। वहीं अगस्त और सितंबर महीने में सामान्य बारिश का अनुमान है, ऐसे में अगर मॉनसून का साथ मिलता है तो फसल उत्पादन में सुधार हो सकता है। वहीं किसानों का कहना है कि जून महीने में बारिश की कमी के कारण उन्हें धान की बुआई में कटौती करनी पड़ी है। अब भी अगर ढंग से बारिश नहीं हुई तो समस्या वाकई गंभीर हो सकती है। चावल के उत्पादन में कमी से देश में जारी महंगाई से लड़ाई भी प्रभावित हुई हो सकती है। देश में महंगाई की दर RBI के टॉलरेंस लेवल 6% से ऊपर बनी हुई है, इससे ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना भी बढ़ गई है। RBI रुपए में कम मजबूती लाने की कवायद के तहत इस हफ्ते इस पर फैसला ले सकता है। वहीं भारत दुनिया के 100 से अधिक देशों को चावल की सप्लाई करता है, इनमें बांग्लादेश, चीन, नेपाल और मिडिल ईस्ट के कई देश शामिल हैं। हालांकि दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिहाज से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। अमेरिका में आने वाले हफ्तों में गेहूं का बंपर उत्पादन हो सकता है। वहीं रूस के साथ लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन से भी खाद्य पदार्थों की खेप रवाना हो चुकी है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन को बड़ा सहारा मिलेगा। कुछ जानकारों का मानना है कि भारत के कई राज्यों में धान की खेती के घटते क्षेत्रफल को देखते हुए सरकार को एथेनॉल उत्पादन में चावल की सप्लाई की अपनी नीति पर पूर्ण विचार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।